साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों वशीकरण, वशीकरण हर कोई आजकल वीडियो देख रहा है वशीकरण, लेकिन दोस्तों जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी जानकारी आपको मिल रही है, उसमें से आधे से ज्यादा जानकारियां तो फेक होती हैं, कोई वर्क नहीं करती है, क्योंकि जानकारी पूरी ना होने के कारण उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। काफी मैंने भी देखे हैं वीडियोस, देखा मैंने कि आधी अधूरी जानकारी आपको दी जा रही है, आप लोग ऐसी रेमेडी कर रहे हैं और आप लोगों को रिजल्ट ना के बराबर। मैं जो आपको विधि दे रहा हूं, अगर ये विधि आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी वशीकरण की विधि अगर जिस व्यक्ति पर आप कर रहे हैं और उस व्यक्ति का यदि पहले से वशीकरण है, या उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया है, या कोई ब्लैक मैजिक है, और या फिर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी विधि तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक से उसके ऊपर से उस क्रिया को रिमूव ना किया जाए। क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं के कुछ रूल्स होते हैं, वशीकरण के कुछ नियम होते हैं। वशीकरण का नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का किस पहले से वशीकरण है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां वहां पर वर्क नहीं करेंगी। ऐसे कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफी मेरे पास में कॉल्स आते हैं, सर बताते हैं कि सब बोलते हैं कि सर हम फ्रॉड में फंस गए, हमने इतना पैसा दिया, हमारा काम नहीं हुआ, उसके बाद हमको ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का खुद ही आप लोग इस्तेमाल करें। जिनको ABCD नहीं आती है तांत्रिक क्रियाओं की, आप ऐसे लोगों फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस क्यों जाते हैं? थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि कहां पर मेरा काम हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पैसा देना चाहिए उनको। एक बार पैसा दे दिया, काफी मेरे पास कॉल्स आते हैं कि बताते हैं हमने एक बार पैसा दिया, हमने इतना अमाउंट दिया, उसके बाद बोलते हैं कि अब और पैसा लगेगा। तो ये आपको एक बार आपने पैसा पेड कर दिया, दोबारा से फिर पैसा पेड करने की आपको क्या जरूरत है? एक बार फंस गए, दोबारा आप फंस रहे हैं। थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों से दूर रहें, ठगी में ना फंसें, है ना। आज की जो मैं विधि बता रहा हूं उसको पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के करना है। किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इन चार दिनों में रात्रि 12 से 3 के बीच में आप प्रयोग को करेंगे, ठीक है। शुद्ध तन मन के साथ में करना है, नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके। और इसमें सामग्री की बात करें तो आपको 100 ग्राम चावल लेने हैं, एक सुपारी लेनी है आपको, गोल सुपारी, ठीक है। सुपारी दो प्रकार की आती है, एक लंबी आती है और एक गोल आती है। तो गोल सुपारी आपको लेनी है, बड़ी वाली। एक काला रुमाल आपको लेना है और उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं। पासपोर्ट साइज की भी चलेगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो फोटो, और चेहरा एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। पासपोर्ट साइज भी आप ले सकते हैं। एक घी का आपको दिया जलाना है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग किसी और समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, देखिए अगर बहुत सारी परेशानियां लाइफ में लगी हुई हैं, समस्या को समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो सकता है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस हो सकता है। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी उपाय किए जाते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कन्फर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा राहु को यदि अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया जाए तो अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलताएं सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है। 95% प्रॉब्लम राहु ग्रह को बैलेंस करने से हो जाती है। हमारे द्वारा आपके नाम, आपके फोटो, माता पिता के नाम, संकल्प द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु ग्रह को बैलेंस करने के लिए श्रावण मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा 18 दिन की होती है। 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे। अगर ये विशेष पूजा आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी असिस्टेंट का नंबर है, वहां जाकर के व्हाट्सएप में अपनी पूजा बुकिंग करा सकते हैं। और मेरे से किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग,
या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों, इसको आपको करना है रात्रि 12 से 3 के बीच में। ठीक है, एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख रखना है, नीचे आपको आसन, सामने पट्टा लगाएं, पट्टे में कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक काला रुमाल बिछा दें, 100 ग्राम उसमें आपको चावल रख देना, रुमाल आपको काला यूज करना है, जो भी कपड़ा होगा काला यूज करना है, उसमें 100 ग्राम चावल रख दें। ठीक है, एक सुपारी का टुकड़ा उसके ऊपर रख दें, ये पोटली आपने तैयार कर ली। अब उसके बाद में आपको घी का दिया जलाना है और घी के दिए के जस्ट सामने ये फोटो आप जिस व्यक्ति की है ये फोटो आपको वहां पर रख देनी है। फोटो रखने के बाद में 551 बार एक मंत्र का आपको जाप करना है फोटो को देखते हुए। ठीक है, ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा देवी देवायनी कुरु कुरु स्वाहा, ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा देवी देवायनी कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 551 बार आप जाप करेंगे। मंत्रों की काउंटिंग बहुत ध्यान से करना है, 551 से 52 नहीं, 550 नहीं, तांत्रिक क्रिया है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर गलती करेंगे रिजल्ट नो, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस प्रयोग को जब करेंगे, नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को आपको नहीं लेना है, स्टोन वगैरह ना पहना हो, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी, समय 12 से 3 का होगा, एकांत कमरे में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बिल्कुल गुप्त तरीके से इस प्रयोग को करना है। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाता है तो जो पोटली आपने बनाई हुई थी, काले कपड़े में आपने चावल और जो आपने वो सुपारी रखी हुई थी, तो उसको पोटली बना करके और आपको 11 बार उस फोटो और दिए से आपको उबार लेना है क्लॉक वाइज सीधा। उसके बाद में पोटली को खोल के ये फोटो जो होगी, फोटो को उसी पोटली में रख दें और काले धागे से इसको आपको बांध देना है। रात्रि में इसको अपने तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। ये पहले दिन का काम आपका खत्म हो गया। दूसरे दिन जब सुबह सो करके उठते हैं तो नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं और जो भी पूजा पाठ करते हैं अपने भगवान की, उनकी पूजा पाठ करें, भगवान से विनती करें कि आपने जो प्रयोग किया है इसमें आपको सफलता मिले। इस पोटली को उठा करके किसी भी एकांत स्थान में आपको चले जाना है जहां पर लोगों का आना जाना कम हो। जब प्रयोग कर रहे होंगे तो कोई भी देखे रोके टोके ना, टोक लगने से क्रिया विफल हो जाती है। तो बिल्कुल आपको गुप्त तरीके से किसी सुनसान जगह में जाना है, थोड़ा सा खड्डा खोदना है, सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको आज्ञा दें, खड्डा खोदें, ये जो आपने लिए पोटली उसमें दबा दें, ऊपर से मिट्टी डाल करके प्रणाम करके वहां पे एक पत्थर छोटा सा रख के और बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। घर वापस आते हैं थोड़ा सा हाथ पैर वगैरह धो लें, आधा घंटा रेस्ट करें, उसके बाद में जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। एक दिन का ये प्रयोग है, उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट, अब ये नहीं बोलूंगा दोस्तों कि एक घंटे में आपने वशीकरण कर लिया, वशीकरण करने के लिए 7, 11 या 21 दिन लग जाते हैं, तो आपको कम से कम 7 दिन तक पेशेंस बना के रखना है। 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, 11 दिन तक पेशेंस बना के रखें, 11 दिन में नहीं मिलता है, 21 डेज में 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो 21 डेज तक थोड़ा धैर्य बना के रखें, जैसे आप ये क्रिया कर लिए तो बार बार ये सोचना नहीं है, लेट गो कर देना है, आपने अपना काम कर दिया, अब वो एनर्जी अपना काम करेगी। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है। और जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, आप यदि किसी व्यक्ति पर बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं, नो रिजल्ट वर्क नहीं कर रही है, तो सीधा सा मतलब है उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या उसके पास ब्लैक मैजिक है, या फिर उसके ऊपर कोई वशीकरण का प्रयोग किया गया है। जब तक उन चीजों को रिमूव नहीं करेंगे, वो चीजें कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अगर ऐसी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं और ये वशीकरण प्रयोग मुझसे करवाना चाहते हैं, आपको 100% 21 दिन में रिजल्ट देने वाली विधि करके दी जाएगी। मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि आपको 7 दिन में 1 घंटे में, जो रियल है वो रियल है कि 21 दिन कम से कम लग जाते हैं। ठीक है, तो ये विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको 100% हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, है ना, तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राहु की विशेष पूजा जो शावर मंत्रों के द्वारा की जाती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, 18 दिन में सफलताएं मिलती हैं, अमेजिंग चेंजेस देखना चाहते हैं तो पूजा बुकिंग करा के देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में।